हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में। क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? ओमकार जी, अविचल, स्वागत है आप सभी का। धीरे धीरे करके ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 30 दिसंबर को हम एक मीटिंग रखेंगे, जूम मीटिंग, जिसमें हम सभी बातें करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे एक एक करके। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या आप तक मेरी ऑडियो वीडियो पहुंच पा रही है, क्योंकि मुझे ना आप दिखाई दे रहे हैं और ना ही सुनाई दे रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या आप तक मेरी ऑडियो और वीडियो आ रही है। हेलो सर, प्रणाम। अविचल बोल रहा हूँ। हेलो अविचल जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। मेरा वीडियो सर दिख रहा है आपको? नहीं, आप ना ही आप दिखाई दे आप सर रहे मुझे हैं। दिख रहे हैं? ओके ओके, और वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? जी जी सर। ओके ओमकार जी, एक बार आप बताइए कि आप तक ऑडियो और वीडियो पहुंच रही है? क्या आप तक मेरी ऑडियो वीडियो पहुंच रही है? चलिए, बस 1-2 मिनट का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। मैंने आप सभी को जैसा कि बताया था कि 30 नवंबर को हम इस लाइव सेशन को रखने वाले हैं, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, नोट्स के लिहाज से, चाहे रिवीजन के लिहाज से, कोई भी अगर आपकी आज प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। देखते हैं फिर क्या इसका हल, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका हल निकल पाता है या नहीं। धीरे धीरे करके ज्वाइन कर रहे हैं सभी, और जैसे ही फिर ज्वाइन करते हैं 5-6 मिनट में फिर हम इस सेशन को शुरू करेंगे। ओके, कैसे हैं आप? नाम सर। हेलो, कैसे हैं अमित जी? अच्छा हूँ सर। ओके, ठंडी है सर, रेस नहीं पड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल ठंडी है। और ओमकार जी, कैसे हैं आप? अब आप दिखाई दे रहे हैं। मुकेश शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे जुड़ने का। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, सभी जुड़ेंगे अभी, और फिर हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले बताइए कि आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से जुड़ करके। बस हम तो सर अच्छे हैं। आप कैसे हैं बस सर? बस, एकदम बढ़िया। आप सभी ठीक है? ठंड कैसा हो रहा है? मुकेश जी, स्वागत है आपका। मुकेश जी ने भी ज्वाइन किया था, अभी धीरे धीरे करके ज्वाइन कर रहे ठंड हैं। सर अच्छी है, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, चलिए बढ़िया है। और तैयारी वगैरह कैसे चल रही है आप सभी की? प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, आज मैं उनको लूंगा और डिस्कस करने का, किस तरीके से हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, जो भी है उसको डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए ओके आप। सर। हाँ जी बताइए, बस 1-2 मिनट का इंतजार करते हैं, और अगर सभी ज्वाइन करते हैं फिर उसके बाद शुरू करते हैं। NTA UGC नेट में आप सभी जानते हैं पेपर 2, क्योंकि एक पेपर 2 गेम चेंजर होता है। अगर आपकी पेपर 2 पे कमांड अच्छी है तो आप नेट आराम से हो सकते हैं। JRF में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना? ऐसे कि पेपर 2 का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वेटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पेपर 1 को नेगलेक्ट करें, है ना? पेपर 1 को हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी ओवरऑल रहनी चाहिए, वो तो मैं डेली हमेशा आपके साथ डिस्कशन करता हूँ कि आप इस तरीके से पढ़िए, पेपर 2 पे फोकस करो, और अपना टारगेट हमेशा पहले से आपका डिसाइड होना चाहिए कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को टारगेट करना है, किस यूनिट में कैसे करके आपको प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करते रहता हूँ। लेकिन आज इस मीटिंग का जो मेन पर्पस है, आपको कहाँ पर, जब आप उसको अप्लाई करते हैं, जब आप उस काम को करने के जाते हैं, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों के बारे में आप मुझे बताइए, ताकि एक आज भी और आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें इन सब बातों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। राइट, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं? सुनाई आ रही है ना आपको, सभी को क्लियरली? बताइए।
जी सर। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं अब कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप प्लस पे आएंगे या फिर जब आप स्पेशल क्लासेस में आते हैं या फिर आप मुझसे यूट्यूब में आप लेक्चर उनमें फिर वो चीज़ें इंक्लूड होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे बेशक शेयर कर सकते हैं आज इस लाइव सेशन में। तो बताइए आप सभी की अगर कोई समस्या है तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और पेन पेपर लेकर के मैं आज बैठा हुआ हूँ ताकि आपकी समस्या को लिख सकें और उन पर काम कर सकें। समाज न केवल मेरी तरफ से बल्कि आप और हम जब मिल करके इसको इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से ढूंढ सकेंगे और JRF तक हम आसानी से पहुंच पाएंगे। क्योंकि केवल मेरे मेहनत करने से या फिर मेरे आपको स्ट्रेटेजी बता देने से कुछ नहीं होगा कि आप इस तरीके से काम कीजिए उस तरीके से काम कीजिए, बल्कि साथ साथ में आपको प्रिपरेशन करनी होगी, समझे, है ना। हाँ जी सर। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। बताइए कि आप कैसे चल रही प्रिपरेशन, कितनी बार आप सभी दे चुके हैं एग्जाम, आप में से किसी ने भी दिया है एग्जाम, बताइए। यस सर, मैंने दिया सर। ओके, तो आपका नेट हुआ है या फिर नहीं हुआ अभी? सर मेरा पेपर वन अच्छा नहीं हुआ था इस बार। पेपर वन क्या समस्या जी रही सर, पेपर वन में क्या समस्या रही थी? सर पेपर वन का थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, ज्यादा वेटेज दिया था पेपर टू को, तो उसमें 124 मार्क्स आए और कैटेगरी मेरा जनरल है तो थोड़ा सा रह गया सर, मतलब 7-8 नंबर से। ओके, मतलब नेट भी नहीं हो पाया। जी नेट नहीं हो पाया सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए इससे क्या समझ में आता है, नंबर एक चीज जो आपने अभी बोली कि पेपर वन आपका अच्छा नहीं हुआ है ना, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि पेपर वन और पेपर टू को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना दोनों को, क्योंकि अगर आप JRF लेना चाहते हैं नेट तो आपका पेपर वन पेपर टू के बेसिस पे हो सकता है, कि अगर आपने पेपर टू आपका अच्छा है पेपर वन पे आपकी थोड़ी बहुत कमांड भी 25 क्वेश्चन भी लगभग अगर आप कर पा रहे हैं यानी कि टोटल 50% भी अगर आप कर पा रहे हैं तो नेट आपका आराम से हो सकता है। लेकिन अगर आपको JRF चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर टू पे तो कमांड होनी चाहिए वो तो मस्ट है, लेकिन पेपर वन को आपको कभी कम से कम आपके 30 क्वेश्चन, अभी आपने हमारे ही एक बैच से अदिति का रिजल्ट देखा होगा, तो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी एक बार कि पेपर टू में आपको लगभग 75-80 का टारगेट रखना है और पेपर वन में 28 से लेकर के 32-30 इसके बीच का अगर आप टारगेट रखते हैं तो आप आराम से JRF क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। पेपर वन को आपको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना। देखिए सबसे बड़ी चीज आपकी है जब आपको सारी चीजें पता है, ये 10 यूनिट है, सिलेबस को ध्यान देना है, सिलेबस पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए, उसको पॉइंट वाइज लिखना है, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, आप सभी अगर देखना चाहें या फिर देख लिए तो बहुत अच्छा है, तो देख सकते हैं आप अनअकैडमी पर भी और यूट्यूब पर भी। सबसे पहले चीज देखिए आप पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा, है ना, सारे टॉपिक, जैसे कि अगर जो आप में से प्लस पर हैं तो उनको पता होगा कि पहली स्लाइड जो मैं लगाता हूँ उसमें आपके पॉइंट लिखे होते हैं, आज आपको ये पढ़ना है, कल आपको ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, इससे आपके दिमाग में क्या रहता है कि कल आपको क्या पढ़ना है उस पर आपका टेंशन नहीं रहेगी और उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। शुरुआत में अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दे लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ देखो रिविजन और प्रैक्टिस, ठीक है, रिविजन और प्रैक्टिस ये दो ऐसे हैं आपके पिलर, आप इनको मान सकते हो आपके JRF के ये सबसे बड़े स्तंभ हैं। अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा कि लास्ट टाइम में आप आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे से सब भूलते जा रहे हैं, होता या नहीं होता है वैसा बताइए कि हम आगे का पढ़ते जाते हैं हाँ और पीछे का हम भूलते जाते हैं। तो मैं डेली लंबा है सर, मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ता है अप टू डेट। हाँ बिल्कुल सही कहा, देखिए इतनी सारी किताबें हम एक दिन में तो या फिर एक महीना भी अगर मैं आपको दे दूं तो आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ करके एक महीने में उनको रिविजन करना और प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है। अगर आप ऐसा सोचते हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोचता है, मैं आप में से केवल आप तीन में से ही नहीं बोल रहा हूँ, जो भी देखेंगे इस वीडियो को आगे यूट्यूब में जब जाएगी, तो आप केवल अगर ऐसा सोच रहे हैं कि एक महीना अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करता हूँ या करती हूँ और लास्ट टाइम में बस प्रैक्टिस करेंगे रिविजन करेंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस भी स्टूडेंट का JRF हुआ है या फिर नेट हुआ है आप उनसे पूछिएगा कि अगर वीडियो अगर आप देखते हैं किसी टॉपर की, हो सकता है कि
उतना खुल करके कोई ना बोल पाता हो, लेकिन अगर आप उनसे पर्सनल बात करेंगे तो आपको पता लगेगा जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका JRF हुआ है, डेली रिविजन किया है उन्होंने, वरना अल्टरनेट डेज पर तो रिविजन किया ही किया है, साथ ही साथ प्रैक्टिस मस्त है। प्रैक्टिस वो की है जो कि आपको आपके आपको बताती है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर आपको नॉलेज है भी तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते उन्हें प्रेशर में, क्योंकि घर में तो हम क्या होते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर होता नहीं, जब मन किया पेपर पे बैठ गए, जब मन किया उठ गए। लेकिन एग्जाम में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को अपने आप सहन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। कई बार उस प्रेशर में होकर के भी हमसे 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और हमने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो क्वेश्चन 3-4 प्रेशर में गलत होंगे और प्रैक्टिस ना होने की वजह से भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना भी अपने आर्ट है, उसको डेवलप करना पड़ता है धीरे धीरे। आप इस बात से एग्री करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना भी एक आर्ट होती है, हमें क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से ऐसा समझ में नहीं आ सकते। आपने जब शुरुआत में, जी आपने म्यूट किया हुआ है ओमकार जी, आपने म्यूट किया हुआ है, जी, आप पहले अनम्यूट कीजिए तब बोलिएगा। सर मेरा, हाँ जी जी कह बोलिए। रहे हैं सर लास्ट टाइम ऐसे मिस्टेक हुआ था हमसे, सुन हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा पा रहे हैं सर? मिस्टेक, हाँ मिस्टेक होते रहता है सर, ये इसको रिड्यूस करने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो PYQ सॉल्व करते वक्त आपसे जो मिस्टेक हो रही है, आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ दिया उसको लिख दो। जैसे मैंने डायरी बनाई है तो मैं इसमें लिख दूँ कि मैंने जल्दीबाजी में पढ़ा है क्वेश्चन, आगे से मुझे ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किया, मुझसे गलत हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, जो नहीं आता था उस पर तो दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, लेकिन जो आता हुआ क्वेश्चन भी मुझसे गलत हुआ है सॉरी, तो वो कैसे करके गलत हुआ है ये मुझे ध्यान देना है। और नेक्स्ट टाइम से, त्रिपाठी जी और सिंह जी का हो गया ना नेट इस बार? जी हाँ हो सिंह गया जी है, का, त्रिपाठी जी का हो गया ना? हो गया है। चलिए आपको बहुत चलिए बहुत बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बहुत 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 बधाई है आपको, चलिए चलिए, बहुत बधाई और अगली बार आप JRF सर। सर जी। थोड़ा सा एक मुझे ये जानना था कि जॉब जॉब करते हुए कैसे बैलेंस बनाया जाए, जॉब करते हुए अगर आप वही देखिए तो जॉब, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अच्छा हाँ क्वेश्चन किया आपने। देखिए ये ज्यादातर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे क्योंकि हमारी एज में आकर के, इस एज में UGC नेट की प्रिपरेशन ही इतना अपने आप में करना एक संकल्प जैसा है, क्योंकि आप MA करते हैं तो MA करते हुए आप कम से कम 23-24 साल के हो जाते हैं, और इस समय पर कम से आपको कुछ ना खुद पर जी जी डिपेंडेंट होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अगर आपको घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं होना है तो। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय पर कैसे करके सकते हैं। देखिए एक बात जो इसमें निहित है ये है कि आपको बाकी स्टूडेंट से मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो, ठीक है। नंबर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको JRF लेना है, एक बात बस ध्यान में रखो, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आपसे अलग, जिनके पास, जिनके ऊपर ये बर्डन नहीं है कि वो साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये बर्डन नहीं है, अगर वो इस साइड जाए कि मैं थोड़ा सा नॉलेज मुझे चाहिए, केवल नॉलेज के लिए भी पढ़े, थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लें, उन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप साथ ही साथ जॉब भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज भी चाहिए, मैं इंटरेस्टिंग लग रहा है कोई कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहा हूँ उसे, तो ये आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ना, नॉलेज के लिए मत पढ़ना बेकार है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल। आप पढ़ें लेकिन आपका जब JRF हो जाए तो पढ़ें, है ना। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, आप क्या करें, सबसे पहली चीज जो मैंने बताई, कम से कम 1 हफ्ता आप लगाइए अपना आराम से, अगर आप साथ साथ जॉब कर रहे हैं तो ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेगा, जो मैं बार बार भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज आप 1 हफ्ता लगा लो, चाहे सारे यूनिट के जितने भी यूनिट हैं उन सभी के टॉपिक्स आपके सामने होने चाहिए। अगर मैंने कोई यूनिट स्टार्ट करी है तो उसके सारे 10 सालों के कम से कम PYQs, और अगर मैं कोई यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके PYQs प्लस उसमें कितने टॉपिक हैं उतने मुझे खत्म करने हैं। और देखिए आप अगर सुबह आपकी 8 बजे से, आप अगर 8 बजे से आपकी जॉब है और इवनिंग में अगर 8 बजे की, अगर आप 12 घंटे की कोई शिफ्ट है या फिर 8 घंटे की, 10 घंटे की, जैसा भी कोई शिफ्ट है, उसके बीच में अगर आपको वहां पर टाइम मिल रहा है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं अगर आपको वहां पर टाइम मिल रहा है, तो आप अपने PDF नोट्स, कैम स्कैनर नाम से एक ऐप आता है, कैम स्कैनर नाम से एक ऐप आता है, तो वहां पर आप उनको फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। और नोट्स भी देखो एक बनाने का टेक्निक है ना, तो उसमें अगर आप कहानी लिखेंगे तो कहानी लिख करके आपके नोट्स नहीं बन पाएंगे 10 पेज के। मैं आपको बार बार दिखाता हूँ अपने नोट्स, तो मेरे 10 पेज के नोट्स हैं केवल,
अब आप खुद सोचिए कि 10 पेज के नोट्स को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट में महज आप आराम से अच्छे से रिविजन उनको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज प्रिपेयर हो गई है कम्प्लीट, जैसे मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी कम्प्लीट हो गई है, क्लाइमेटोलॉजी कम्प्लीट हो गई है, तो मैं क्या काम करता था, ये हेडफोन मैंने लिया, अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया, वॉइस रिकॉर्डर, अपनी आवाज में पूरी यूनिट को, जो मेरे नोट्स हैं बुक से नहीं, अपने नोट्स को अपनी आवाज में अपने तरीके से जो मुझे समझ में आएगा 15-20 मिनट का रिकॉर्डिंग करके उसको बस रख लिया। जब भी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं उसको सुनूंगा, कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ट्रेवल करते हुए पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, और ये वही चीजें हैं जो मुझे एग्जाम में क्लिक करती है ना। जब आपको ऐसा लगता है कि कई बार इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन अचानक से लगता है क्लिक किया अंदर से, और आपको भी नहीं पता होगा कि क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, है ना, तो ये उस समय पर जो इंट्यूशन आपको आ रहा है, उस समय पर जो आपके मन में भाव आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन, तो वो वही चीज है जो आपको हेल्प कर रही है, जो आपने कभी सुन जाते हुए टहलते हुए उसको पढ़ा है, कभी आपने खाना बनाते हुए रेडियो ऑन किया है तब आप सुन रहे हैं, कभी आपने खाना बनाते हुए या फिर खाना खाते हुए आपने मेरी क्लास ऑन की है वहां पर आपको सुन रहे हैं बस, चाहे आप एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह है, उसमें आप स्टोर कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता है कि आपने अपने कंप्यूटर में अपने फोन में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पर स्टोर की है, लेकिन वो है तो सही ना उसके अंदर। ऐसे ही आपका माइंड है, वो आपको चाहे याद एंड टाइम पर ना आए लेकिन हल्का सा इंट्यूशन तब भी दे जाएगा एक झलक। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर रही होगी, आप उस जो इंट्यूशन आ रहा है, आप अंतर मन से आपका भाव आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन होना, तो आप उसको पहचान जाएंगे। ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, अथक प्रयास चाहिए। तो जब भी आपको समय मिले, आपका जैसे आपने बताया कि जॉब है, तो जब भी समय मिले अपने नोट्स को आप अपने बैग में कैरी कीजिए। जब भी आपको समय मिल रहा है 15-20 मिनट का, इसमें यह भी निहित हो सकता है कि आपको बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप लंच टाइम के बाद, लंच टाइम में आपको समय मिलता होगा, लंच टाइम के बाद आप उनसे थोड़ा सा बातें करते होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करते होंगे, उस टाइम पर आपको बस रिविजन करना है। 5-6 महीने की बात है, ज्यादा भी नहीं, 5-6 महीने की बात है। थोड़ा सा अगर दूरी बना लोगे इन सबसे, सोशल मीडिया से और बहुत ज्यादा घूमने फिरने से, तो आराम से हो सकता है। सुबह थोड़ा सा 1 घंटा ज्यादा उठ जाइए, जो क्लास सर नवंबर में जो एग्जाम हुआ था नवंबर में जी, तो उसका जो पेपर का जो ट्रेंड था सर वो थोड़ा बदला हुआ था, तो उसके हिसाब से कैसे मैनेज किया जाए, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले तो अंशुमान जी आपका स्वागत है, आप इस बार का ट्रेंड काफी अलग था सर। हाँ देखिए, हाँ इस बात से देखिए आप सभी एग्री करेंगे, और इस बात से स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा सा ऊहापोह भी मची हुई थी कि इस बार पेपर का ट्रेंड जो बहुत चेंज जी। इस बार इससे एक चीज आपको समझ में आती है जो हमें आप प्रिपरेशन करनी है, कि हम सिलेबस के किन्हीं यूनिट्स को या किन्हीं टॉपिक्स को लेकर के नहीं चल सकते कि इनको बस पढ़ लिया तो 65 से 70 क्वेश्चन कर लोगे। ये 2017 से पहले का ट्रेंड है। हर एक टॉपिक को जो सिलेबस के अंदर लिखा है उसको एवरेज लेवल तक प्रिपेयर करना है, औसत लेवल तक उसको तैयार करना है, और औसत से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखे होंगे कि ये बांध, पर्टिकुलर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर बना है, तो आप क्या कहेंगे कि बहुत डेप्थ इस बार तो ज्यादा था भी नहीं। हाँ तो हाँ ज्यादा नहीं थे, मतलब आपको हर एक टॉपिक पर अगर आपको एक सेकेंड है, अगर आपके हर एक टॉपिक पर बेसिक आपके एवरेज नोट्स बने हैं, आपने बेसिक रिविजन किया है, तो आराम से आप कर लोगे। 75 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, और 75 जहां आपने क्वेश्चन कर लिए आपका JRF होने से कोई नहीं रोक सकता। 28, 29, 30 क्वेश्चन का रेंज आपका पेपर वन में रहेगा, आराम से JRF हो जाएगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी में। बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सही है सर जी, बताइए कोई आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर बीच में बहुत सारे एग्जाम है, इसी मतलब वैकेंसी मतलब बहुत आ रही है, जैसे यूपी में कैसे मैनेज करें। अच्छा कई सारे एग्जाम दे दिए हैं। देखिए इस चीज में जैसे GIC का है फॉर्म आया, तो इसके लिए तो मैं एक PGT भी है सर। ये तो काफी सब्जेक्टिव सवाल हो सकता है, ये एक इंडिविजुअल का अपना तरीका नहीं हो सकता, ये तो सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि आप एक बार UGC नेट का सिलेबस हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक किसी भी एग्जाम में, चाहे GIC का आ रहा है, चाहे RPSC की वैकेंसी है, चाहे BPSC की वैकेंसी है,
थोड़ा बहुत 15-20% आप मानेंगे कि थोड़ा बहुत अंतर रहता ही रहता है, चाहे ज्योग्राफी ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। बीपीएससी में अलग तरीके से पूछ लेगा उसी ज्योग्राफी को, वही रेलवे में अलग तरीके से पूछ लेगा। एक जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करने वाला है वो एनटीए यूजीसी नेट पास नहीं कर सकता, और हम एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आप ये गारंटी नहीं कह सकते कि आप बैंकिंग में पूछे जाने वाले ज्योग्राफी के क्वेश्चन, रेलवे में पूछे जाने वाले ज्योग्राफी क्वेश्चन, इवन उनका लेवल डाउन होता है लेकिन फिर भी आप उनको 100% कर जाओगे, इतना गारंटी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते हैं और हमें इतने फैक्ट याद करने की आदत नहीं है। आपको आप पेपर देखते होंगे कि हमें इतना फैक्ट याद करने की आदत नहीं जिसमें जितने उसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक बार आप एनटीए के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मेरा ये कहना है, और अगर आपने एक बार बेहतर तरीके से इसको प्रिपेयर कर लिया तो फिर बाकी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी वैकेंसी आई है, अगर देखिए आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है ना, सक्सेस के बाबा रणछोड़ दास का एक डायलॉग है कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत, हाँ एक्सीलेंस के पीछे भागो, राइट सर, सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी, राइट। तो अगर आप एक बार उस मुकाम को, उस लेवल को अचीव कर लिए हैं, तो फिर 10-20% का जो डिफरेंस रहता है उसको प्रिपेयर करना महज 1.5 महीने का काम है, 2 महीने का काम है, उसको आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि पहले एक बार अच्छा सा, मेरा तो यही मानना है, देखिए इतनी सारी वैकेंसी आती है, मैंने केवल जिंदगी में एक एग्जाम दिया है, वही यूजीसी नेट का, लेकिन वही मेरा एग्जाम जिंदगी का पहला एग्जाम था जिसमें मैंने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई नहीं करता है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी, इतने सारे एग्जाम आते रहते हैं, मुझे कभी कोई टेंशन नहीं है, आ रहे हैं ठीक है आने दो, मुझे जब लगेगा, जब मेरे अंदर से ये भाव आएगा कि हाँ जाना चाहिए, तो तब जाएंगे। बाकी सबका अपना अपना मानना है, आप देख लिए कि आराम से पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करें, और जो 15-20 का रहता है हर जगह डिफरेंस, उसको आप 1-1.5 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप में जो बाद में जुड़े हैं, केसर जी आपका स्वागत है, बताइए आप सभी के और जो डाउट्स होते हैं उनको मैं आज ले रहा हूँ, और इसी तरीके से दोस्तों हम डाउट लेते मैं लेता रहूंगा बीच बीच में। और कल है हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। सर, आपको भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी सर पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। और आज शाम आप क्या कर रहे हैं, आज 31st है, वही सर, हाँ सर थोड़ा घूमने निकलेंगे, घूमना फिरना भी होना चाहिए। एक देखिए, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सोच के ना करें प्रिपरेशन कभी भी, ना मैंने खुद ये सोच करके प्रिपरेशन करी, ना मैं किसी को ये सलाह देता हूँ, आप पता नहीं कोई किसी ऐसे एग्जाम के जा रहे जंग जैसा लड़ने का माहौल ना बना, जंग नहीं लड़ा है ना, लास्ट टाइम हुआ था ऐसे सर, हैवक बन जाता रहा सर। तो सर लास्ट टाइम इसलिए हुआ कि इतनी इतनी ज्यादा हम लोग की पोस्टपोन्ड होती थी, चली गई ना अपना पेपर, इसी कारण सर हम लोग सही से अपने को कर नहीं पाए उसको, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। हाँ बिल्कुल, एनटीए ने तो ये दिमाग लगाया, एनटीए ने ये सोचा कि 9 महीने का 10 महीने का स्टूडेंट्स को टाइम मिल गया है, तो आराम से प्रिपरेशन करके अगर हम थोड़ा सा लेवल इधर उधर भी कर देंगे, और जो पहले से वेटेज रहता है इंडियन ज्योग्राफी का उसको उन्होंने कम कर दिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से बढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चन इधर जी सर जो कि करंट अफेयर से भी पॉपुलेशन को टच भी नहीं किए वो, हाँ तो थोड़ा लेकिन सर कई सारे क्वेश्चन जो थे ना सर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थे वो, कई सारे क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थे, नॉलेज फोकस पे बहुत कम था, अगली बार हो सकता है ज्यादा कड़ा कर दे एग्जाम में भी, उनके पीछे क्या अप्रोच, उनकी क्या सोच रह सकती है। इस बार पेपर देख के ऐसा लगा जी, बोलिए सर बोलिए। तो देखिए उन्होंने ये सोचा कि 9-10 महीने का आपको टाइम लगा है, 9-10 महीने का आपको टाइम मिला है, और स्टूडेंट्स ने सोचा कि बाहर जाने का समय मिला नहीं है और किताबें खरीदने का समय लगा नहीं है, इस बार पेपर हल्का होगा, और उन्होंने सोचा कि आपको 9-10 महीने का टाइम मिला है तो इन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से करी जम के, तो उसका निचोड़ निकाला जाए। तो यहाँ पर दोनों के सोचने के तरीके में क्लैश हो गया, और स्टूडेंट वहां जा करके पैनिक कर गए। तो देखिए जब भी आपको समय मिल रहा है, एनटीए की तरफ से ये मान के चलें कि वो एवरेज कभी भी उठा पटक कर सकते हैं पेपर में, उसके लिए हमेशा तैयार रहें, और तैयार रहने का मतलब यह है कि हर एक टॉपिक पे आपकी एवरेज कमांड होनी चाहिए। ये 2017 से मैं बार बार बोलता हूँ, 2017 से पहले का ट्रेंड है ये कि 6 यूनिट को प्रिपेयर करके 70 क्वेश्चन पा लो, 4 यूनिट
थोड़ी कम कमांड भी है तो आराम से हो जाएगा। 4-5-20 क्वेश्चन तो कर लेंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो कर लेंगे। ये पहले का बस फिजिकल ज्योग्राफी अब नहीं है। हाँ सर, अब नहीं है सर, अब आपको हर एक टॉपिक पे कमांड करनी पड़ेगी। अब फिजिकल ज्योग्राफी के, हाँ जैसे आपने नाम लिया, देखिए 4 पोर्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और एनवायरमेंट। इसमें तो आपकी बेहतर कमांड होनी चाहिए। बाकी के जो बचे यूनिट है 6, उनके थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उन थ्योरीज को प्रिपेयर कीजिए और थोड़ा बहुत डाटा होगा। तो थ्योरीज आपको उनके लिए मतलब ऐसे कि डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको बात करूं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप पढ़ोगे तो मत मान लीजिए कि आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी प्रिपेयर होगी। जैसे मैकिंडर की थ्योरी, स्पाइकमैन की थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो मतलब आप मान सकते हैं कि आपने बहुत बड़ा पोर्शन आपने उस यूनिट का कर दिया कवर। तो हमेशा देखिए ऐसे यूनिट, ऐसे चीजों पे फोकस करना है। हमारा फोकस मेन क्या रहना चाहिए, जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, और उन फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में उनका लेवल क्या है। जैसे ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मैंने एग्जांपल दिया, तो इसमें जो थियोरीज है वो बहुत डेप्थ में पूछी जाती है, तो वो अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी की कई ऐसी थियोरीज हैं, अगर आप उनको उतना ही वेटेज देंगे तो आप उतने ही ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। जैसे लैंडस्केप की ओरिजिन की थ्योरी है, एलचेकिंग की है, पेंच है, और कई सारे ऐसे थ्योरी हैं जो ज्वार भाटा से रिलेटेड है और कोरल रीफ से रिलेटेड है, तो क्या वो डेप्थ में पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती है। अगर हम उनपे उतना ही वेटेज दें मतलब हम उतना ही ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा। कब आएगा वो? तब आएगा जब आप PYQs हमेशा अपने सामने रखेंगे। PYQs की बुक आज भी मेरे सामने, हमेशा मेरे सामने रहती है, मैं उनको कभी नेग्लेक्ट नहीं करता। उनसे ही आपको पता लग, वो आपके टॉर्च है। सिलेबस और PYQs अंधेरे में, एंटी एग्जिस्टेंट का जो अंधेरा है उसमें आपके लिए वो टॉर्च है। उस टॉर्च में आपको ये PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अगर देखिए कोई आपसे ये कहे कि PYQs से क्या होगा, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को और कई टीचर भी हैं उनको बोलते हुए भी सुना है ऑनलाइन भी, PYQs रिपीट थोड़ी ना होंगे। PYQs ही वो बेस है, वो बुनियाद है जिसमें आपका JRF होगा। आप उस 30 क्वेश्चन को, 25-30 क्वेश्चन, कई आपको बोलते हैं कि 15-20 क्वेश्चन, आप खुद एनालिसिस करके देखिए। किसी के क्यों मानते हैं आप? खुद एनालिसिस करके देखो, गिनने में कितना टाइम लग रहा है एक पेपर में? महज ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट, 10 मिनट लगेंगे महज गिनने में। 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या आप उन 25-30 क्वेश्चन को छोड़ करके JRF ले सकते हैं? तो मेरा तो मानना है बिल्कुल नहीं। आप उनको छोड़ करके JRF कभी भी नहीं ले सकते। उनको पहले पकड़ के अपनी जेब में रखना है, और उनको जेब में रखने के बाद, उनको अपनी मुट्ठी में करने के बाद, बाकी कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट मजबूत होने का मतलब एवरेज भी अगर आपने पढ़ाई करी है तो आराम से आप कर रहे हैं। अपने रोज आप पेपर सॉल्व करते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार भी बहुत ज्यादा उहापोह मच रही थी लास्ट टाइम में। सब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेकिन जो आएगा सिलेबस के अंदर से आएगा। और जो क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आए, छोड़ दो उनको। 80-85 क्वेश्चन तो ऐसे है ना जो आपको पता है कहाँ से आ रहे हैं। तो आप तो नंबर एक, आप तो सबसे पहले से आप क्या है, आप तो जॉब कर रहे हैं, और ऊपर से आप ऐसी चीजों, ऐसे क्वेश्चन को, 15 क्वेश्चन को महज देख करके अपना दिमाग खराब करेंगे जो ना आए थे पहले और ना दोबारा कभी आएंगे। वो बस आपको डराने के लिए है, ताकि जिस पद पे आपको बिठाया जा रहा है वहां पर जो जो व्यक्ति अगर थोड़ी सी सिचुएशन को देख के घबरा जा रहा है, पैनिक हो जा रहा है, ऐसे स्टूडेंट ना सेलेक्ट हो जाए, ऐसे स्टूडेंट को JRF नहीं मिल जाए, तो फिर तो वो जब रिसर्च करेगा तो उसकी घबराहट दिखेगी ना उसके काम में। यस और ना बताइए, उसकी घबराहट दिखेगी, जाहिर सी बात है। यस यस सर जी। तो अगर आप उन 10-15 क्वेश्चन को देख करके घबरा जा रहे हैं और अपना प्रिपरेशन फिर उसी तरफ मोड़ ले रहे हैं, किसी ने कहा ये बुक अच्छी है तो आप उधर ही मुड़ जा रहे हैं, किसी ने कहा यहाँ इस एजुकेटर के नोट्स बहुत अच्छे हैं वहां से जाके पढ़ लो, क्या होगा इससे? अगर कहीं भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चाहे आप मुझसे पढ़े, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मुझसे ही पढ़ो, वो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाई जाएगी तो पास आने वाली प्लेटों को कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री डाइवर्जेंट है, ये तो नहीं बोलेगा ना। पास आने वाली प्लेटों को कोई डाइवर्जेंट क्यों बोलेगा? इसका सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी पढ़ें ज्योग्राफी, कंटेंट सब जगह एक ही होगा, किताबें हर एक एजुकेटर ने एक ही पढ़ी होंगी। कोई आपको थॉर्नबरी की किताब पढ़ करके नहीं पढ़ाने वाला, कोई आपको JASTR की किताब पढ़ करके नहीं पढ़ाने वाला, हर कोई सविंदर सिंह सर की पुस्तक ही पढ़ेंगे। सविंदर सिंह वाले हैं, हाँ, हर कोई वही पढ़ेगा, हर कोई वही पढ़ाएगा। और थॉर्नबरी की पुस्तक पढ़ करके अगर कोई बोल रहा है वो पास कर भी नहीं सकता,
कि मेरे पास है थॉर्नबरी की पुस्तक ए प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, मुझे पता है कि उसके अंदर क्या है, वो रेफरेंस बुक है, वो रिसर्च के लिए बुक है, उनमें से आप चार चार पांच पांच लाइन ही निकाल पाएंगे बस अपने काम की, और कुछ काम का नहीं उसमें, केवल एक ही पॉइंट पर केवल फोकस होती है ऐसी बुक। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ पढ़ लो वहाँ पढ़ लो तो आपकी मर्जी है, मेरा कहने का मतलब है बस कि आप एक बार जहाँ आपने ना टारगेट बना लिया है कि मुझे यहाँ पढ़ना है, ये नोट्स पढ़ने हैं, उस पर आप पूरा भरोसा करें। ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ आपको अगर कोई चीज़ कम मिल रही है तो कहीं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा हो, मोर और लेस हर जगह एक ही चीज़ रहेगी, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग है, किसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एजुकेटर की बात हमें जल्दी समझ में आ जाती है, किसी एजुकेटर की बात हमें जल्दी समझ में नहीं आती है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा रहे हो, तो बात बराबर हो गई है ना, जितना वहाँ से फायदा होने वाला था उतना ही नुकसान भी हो गया, मतलब बात बराबर। इसलिए जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पढ़िए, किसी के बहकाव में मत आओ कि ये बुक अच्छी वो बुक अच्छा ये नोट्स अच्छा वो अच्छा, क्या हो जाएगा उसका, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग पर्सनैलिटी है, मुझे जो समझ में आता है सामने वाले को शायद ना समझ में आता हो, सामने वाले को जो समझ में आता है शायद मुझे समझ में ना आता हो, है ना। तो इस तरीके से आप अपना काम कीजिए, फोकस रहिए हमेशा, एक सेकंड भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए जब तक आपका जेआरएफ नहीं हो जाता कि मैं अभी ना करूं या फिर आज मैं ये काम कर रहा हूं तो चल लेते हैं आज। जैसे एक बार एक एग्जाम मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बार सेशन में जब प्लस पर हम कर रहे थे क्लास, तो एक राइटर है जिनका नाम आपने सुना होगा चेतन भगत, है ना, तो उनकी एक वीडियो है यूट्यूब पर ही उनकी एक वीडियो है, आप जाकर के देखिएगा, औकात बाय चेतन भगत आप लिखेंगे ना, औकात बाय चेतन भगत, तो आपको वो मिल जाएगी, आई होप कि आपने शायद देखी होगी, तो आप बाद में देखिएगा। तो उसमें मैंने एक चीज बताया कि जब आपको लंबी कोई आपको अचीवमेंट लेना होता है, लंबा आपको करना, तो उसके लिए आपको धक्का मार मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, कि आप सोच रहे हैं कि 10 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाए, 6 महीने में 2 महीने में आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, आप रिविजन भी कर लें प्रैक्टिस भी कर लें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या चाहिए, बहुत लंबा प्रयास चाहिए, धीरे धीरे करके आप मेहनत बनाइए, एक दिन का टारगेट उसको आज ही खत्म करना है, और हफ्ते का टारगेट बनाना है, हफ्ते में इतना चीजें कंप्लीट करनी, अगर आपका टारगेट बनेगा तो उस टारगेट का आप 100% तो कभी कोई नहीं अचीव कर पाता है, उसका 90% तो अचीव करोगे, 80% तो अचीव करोगे, 85% तो अचीव करोगे, लेकिन करोगे अगर टारगेट बनेगा तब। क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी, जैसे मैं ही हूँ, मैंने जो टारगेट बनाया हमेशा हमें 100% नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर टारगेट बनाया तो उसमें 90% मिल जाएगा, और वही आपको आगे ले जाएगा, बाकी भीड़ से अलग ले जाएगा। लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एक दिन नहीं पढ़ा, मंडे अगर खराब हो गया शुरुआत में तो ऐसा लगता है तो पूरा हफ्ता ही खराब हो गया, है ना, पूरा हफ्ता खराब हो गया, फिर हम ट्यूजडे को भी हमारा वही हाल रहेगा, वेडनेसडे को फिर हमारा वही हाल रहेगा। तो ये प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी है, ये टालमटोली हमारे अंदर आदत होती है, टालमटोली से बिल्कुल दूर भागना है। उन्होंने चेतन भगत ने इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया मैं आपको बताऊँ, कि मान लीजिए ये जो टालमटोली वाला आदत होती है ये आप जानते हैं कि किस तरीके की होती है, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर जाते हुए कहीं आप कीचड़ में गिर गए, तो उठने के बजाय आप तो कीचड़ में गिर गए तो और उसमें लोट ले रहे हैं, उठने के बजाय हम उसमें और ज्यादा गिर जाते हैं और लोटपोट हो जाते हैं, ये उसके जैसा है नहीं। अगर एक दिन खराब हो गया तो पूरा हफ्ता खराब करने की जरूरत है, नया दिन आया है, ट्यूसडे आया है, उसको शुरुआत करो। ये मंडे ट्यूसडे क्या होता है कि मंडे से हम शुरुआत करेंगे, एक तारीख से हम शुरुआत करेंगे, ये कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप उठे हैं उस दिन आपको अपना टाइम टेबल सही करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। टाल मटोली वाला आदत नहीं होनी चाहिए एस्पिरेंट के अंदर, या कभी जैसे आज का मेरा जो टारगेट है अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं आपको सच में बताऊं यकीन कि चाहे आप यकीन करें ना करें, जब तक मेरा टारगेट आज का जो मैंने कहा है तो मुझे चैप्टर पढ़ना है, दिन में मुझे टाइम नहीं लगा, कॉलेज जाना होता था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने किया है तो कॉलेज जाना होता था काफी, फर्स्ट सेमेस्टर में तो अटेंडेंस भी दिखानी पड़ती है ना, तो इसलिए जब नहीं, अगर टारगेट आज का दिन में पूरा नहीं हुआ तो ये पूरा होने से पहले, क्योंकि 12 बजे बाद दूसरा दिन लग जाएगा, तो 12 बजे के पूरा होने से पहले मुझे वो चैप्टर कम्प्लीट करना है आज का, उसके नोट्स बना करके रख लें कि आज का टारगेट मतलब आज ही, उसको कल के लिए नहीं डालना है, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करें, डालेंगे तो फिर काम, आज का जो काम है वो कल उसको करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब एक दिन का ही काम 90% हो पा रहा है, 100 नहीं हो पा रहा है, तो 2 दिन का कैसे होगा, सोचो, फिर तो वो हम एक दिन पीछे चले गए ना,
और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे, आपको हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे लगे हैं, आपको ये भी ध्यान में देना है किसी स्टूडेंट का JRF पहले से हो चुका होगा और वो रैंक देने के लिए भी पेपर दे रहा होगा, इस बात को भी ध्यान देना। आपके साथ एग्जाम हॉल में वो भी बैठेगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे सर, कई लोग तो कई लोग सर ऐसे भी होते हैं मतलब जिनका ऑलरेडी नेट हो गया है फिर भी JRF के लिए दोबारा प्रयास करते हैं, और जब ऑप्शन देना होता है तो नेट और JRF बोथ दोनों दे देते हैं जबकि JRF देना चाहिए, ऐसा भी होता है कभी। देखिए वही मेरा कहने का मतलब है कि आप हमेशा जब प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी ध्यान में रखें कि कॉम्पिटिशन का अभाव हमेशा रहना चाहिए, कि आपके साथ बहुत सारे सैकड़ों के हजारों की संख्या में ऐसे होंगे जो पहले से नेट होंगे वो भी एग्जाम देंगे। यस सर, यस बिल्कुल, सैकड़ों की संख्या में वो लोग भी होंगे जो JRF होंगे वो भी एग्जाम देंगे, तो आपके टारगेट वो है। हमारे सामने दो लोग हैं सर अभी हमारे सामने दो लोग हैं अभी ठीक है कंपटीटर वो तो सही है, लेकिन ऐसा लोग और भी होंगे बहुत सारे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे हो सकते हैं। अभी तो मेरा ऐसा कोई टारगेट है नहीं, जब मन करेगा तब दे देंगे, तब आपको बता देंगे कि कब दे रहे हैं। नहीं, जिनका नेट है सर वो तो सेफ जोन में है ना, उनका क्या दिक्कत है हाँ उनका सेफ जोन है, लेकिन जब तक कोई सर फर्स्ट पेपर के लिए कुछ आप पढ़ाएंगे इस बार? फर्स्ट पेपर का अभी तो मेरा नहीं बन पा रहा है विचार, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी MA का थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, जब तक MA कंप्लीट नहीं हुआ था अभी मेरा डिसर्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सबका डिसर्टेशन हो गया है, मेरा भी डिसर्टेशन नहीं हुआ है। मैं रोज नोट्स बनाने में रह जा रहा हूँ, PPT बनाने में रह जा रहा हूँ, लेक्चर अटेंड करने में रह जा रहा हूँ, मेरा डिसर्टेशन नहीं बन पा रहा है। तो पहले एक बार मेरा MA कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं बाकी चीज़ों पर हाथ डालूँ, क्योंकि अब फिर मैं हाथ उसमें डाल दूँ और मुझे खुद ही वो फील ना आए अंदर से कि ये सारी चीज़ें जो मैं भरोसे से मैं कह पाता हूँ ज्योग्राफी में कि आप इतना कर रहे हो 80% की गारंटी मेरी है, मैं उतना भरोसे से ना कह पाऊँ तो फिर वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी उसमें हाथ नहीं डालता हूँ। बाकी देखा जाएगा कि कैसा होगा, जब जब होगा आप सबको पता चल जाएगा, और मैं तो ये ईश्वर से कामना करूँगा और आप भी मेहनत करें कि वो नौबत आपको आए ना, कि मेरा इंतज़ार करना पड़े तब तक इसी बार आपका हो जाए, मैं तो ऐसी भविष्य से ईश्वर से कामना करूँगा। तो बताइए आपके मन में कोई कुछ रह गया हो, कोई क्वेश्चन इस पे किसी पहलू को हमने टच ना किया हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज अविचल कुछ कह रहे थे शायद वो बता नहीं पाए सर। जी अविचल बताइए, जी बताइए सर। नेटवर्क इशू है लगता है सर, अगर कोई किसी को सुनाई दे तो मुझे बताएं। अभी चल आपकी आवाज नहीं सर, कह रहा हूँ इस बार सर कुछ जो इस बार सर करेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे सर, तो सर कैसे सर करेंट को सर कैसे हम लोग उसको देखा जाए, क्योंकि सर डायरेक्ट करेंट के क्वेश्चन नहीं थे, वो रिलेटिव टू हमारे सब्जेक्ट से थे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, रिलेट करके सर क्वेश्चन पूछा था बट वो करंट के थे। ठीक है ठीक, देखिए मैं समझ रहा था सवाल कि करंट अफेयर पढ़े या ना पढ़े, कि करंट अफेयर पे ध्यान दें या ना दें, आपका बेसिक क्वेश्चन ये है। तो देखिए कितने क्वेश्चन थे, आप सोचिए। हाँ सर कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे सोचो। हाँ सर 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन के आसपास थे सर, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन होंगे। हां यही कुछ है ना, तो आप सर आप सोचिए बट इजी थे अगर ध्यान दे तो। हाँ अगर देखिए मैं, मेरा ये मानना है कि अगर आपके 100 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन बाधा बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो 5 क्वेश्चन को आप छोड़ करके, 5 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देंगे तो आप नुकसान में चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। अगर करंट अफेयर को मतलब आप छोड़ भी देते हैं तो आप नुकसान में तो आप नहीं जा रहे, क्योंकि 95 क्वेश्चन आपके पास है जिनमें से भी केवल 75 क्वेश्चन करने पर आपका JRF हो सकता है, केवल 75 करने पर। तो उन 5 के लिए हम क्यों इतनी मदद मांगे, और आपको पता है कि अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करेंगे भी तो कोई निश्चित ये बात नहीं कि आपने जो पढ़ा है वही आ जाएगा। करंट अफेयर तो आता है ना, वो तो महासागर है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। यस सर, यस सर। करंट अफेयर पे आप प्रिपेयर करेंगे, एक ही करंट अफेयर की अगर बुक लेंगे तो उसमें ही आपको बहुत सारा कंटेंट करना इकट्ठा करना होगा, फिर कितने महीने का पढ़े वो अलग से दिमाग खराब करने वाला एक टॉपिक है, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आपको 5 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना चाहिए, उस वक्त से आपको कोई नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि 75 क्वेश्चन अगर आपको JRF दे रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आपका JRF नहीं रोक सकते, वो घाटे का सौदा है उधर जाना मेरे हिसाब से। बाकी आपका आप देख सकते हैं, है ना।
तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरीके के हम आगे भी इंफॉर्मेटिव करते रहेंगे। अभी प्लस पर मेरी क्लास है अनअकैडमी प्लस पर, अगर आप सभी तो हैं शायद ना प्लस पर, तो ज्वाइन कीजिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक से थैंक यू सर, थैंक यू आप सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को ओके सर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही मिलते रहेंगे सर। ठीक है, बिल्कुल, आपको भी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी आए हो, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबको, अभिषेक एंड मुकेश जी, आप सभी, आपको भी ओमकार भी, मुकेश जी को भी। नहीं सर, अब अभी हम आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेंगे सर, 12 बजे बोलेंगे। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए, मिलते हैं हम क्लास में और फिर उसके बाद मिलेंगे कभी। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर।